So, good afternoon everyone. Myself, Vivek Kumar Saini. So, basically मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड बीजेपी के टाइम में स्टार्ट हुई थी. मैं भी दिसंबर 2022 में सर के साथ यहाँ पे ज्वाइन हुआ था. मेरा बैकग्राउंड वैसे मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ. तो मीन्स था पहले से ऐसा था थोड़ा कि कुछ अलग करना है, बिजनेस जैसा कुछ करना है. मीन्स जॉब वाला तो चल रहा है, जॉब में इतना मीन्स मेरा सेट हो नहीं रहा था कि मीन्स डेली सेम रूटीन एक फॉलो करते जाए, 9 से 6 की नौकरी कर रहे हैं, बाकी और कुछ करने के लिए अपने पास है नहीं. तो वही, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड. तो सर मैम से मिला पहले मैं, फिर काफ़ी सब कुछ डिस्कशन रहा उसके बाद, फिर काफ़ी अच्छा रिव्यू था तो फिर ज्वाइन किया. सो आज मैं मीन्स अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल में मीन्स अभी एट प्रेजेंट कैसे मैं 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स ग्रुप में हूँ. बेसिकली मेरा फुल टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का मीन्स क्यों था, मेरा ड्रीम ऐसा था पहले से कि मीन्स ऐसा कुछ करना है हमको कि लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेशन करना है. तो इसका मीन्स एडवांटेजेस मैंने देखे थे पहले कि फाइनेंशियल एडवांटेजेस हमारे पास है कि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. जो इसको समझ जाते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं समझ पाते वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं. दूसरा कि एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे खुद का तो उससे मीन्स एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है हमको कि हम खुद का फंड ग्रो कर रहे हैं, खुद से एक मीन्स काम कर रहे हैं ऐसा. एंड फोर्थ पॉइंट इज टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. ये एक प्लस पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो हमको मिलते हैं वो मीन्स काफ़ी कम देना पड़ता है टैक्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एडवांटेजेस. तो इसमें लाइफ स्टाइल एडवांटेजेस जो मेरे को नजर आए थे वो थे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मीन्स हम सब चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, कुछ कर सकें, ताकि अपना एक कुछ पैशन हो तो वो भी हम फॉलो कर सकें. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे मेरे को मार्केट में नजर आई. दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम. अब स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, सिर्फ इंटरनेट चाहिए और एक अपना सिस्टम चाहिए, वहाँ से बैठ के भी आप काम कर सकते हैं ऐसा. तो वो चीज़ नज़र आई. दूसरा रिड्यूस्ड स्ट्रेस. इसमें स्ट्रेस वर्क इतना ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि फ्रीली जब सपोज जैसे मैंने कोई स्टॉक्स ले रखे हैं, पूरा रिसर्च करके ले लिया, उसके बाद टारगेट्स आने में मेरे को पता है कुछ 5-6 महीने लगेंगे, तो फिर उसके बाद मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं. अल्गोज है तो उसको प्लेज करके अल्गो चल रहा है. वो मीन्स एक तरीके से हमने अपनी पाइपलाइंस बिछा रखी है ऐसा. मीन्स ऐसा हम बोल सकते हैं कि पाइपलाइंस आर लाइक लाइफ लाइन्स ऐसा. एक मैंने बुक भी पढ़ा था उसके रिलेटेड, तो वैसा हम समझ सकते हैं कि हमने अलग अलग पाइपलाइंस बिछा रखी है हमारी इनकम के सोर्स के लिए. तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में एक बेनिफिट मेरे को ये देखने को मिला. फिर पर्सनल फुलफिलमेंट, जैसा मैं बता चुका हूँ कि हमको एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने खुद ने कुछ अकम्प्लिश किया पोर्टफोलियो मैनेज करके. अब मेन बात आती है कि माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए इसमें. तो पहले लेक्चर में मैं जैसे ध्यान है मेरे को कि सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली थी कि मार्केट में आए शुरुआत में तो ये सारे जो आप बोर्ड्स देख रहे हैं ये सारे सबकी फ़ोटो सर ने है ना दिलवाई थी, बोले कि सब फोटो लेके जाओ इनको रीड करना. तो शुरुआती फेज में तो चलो हम भी आपकी तरह सब मीन्स फोटो वोटो लेके गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में नहीं समझ पाए थे. लेकिन अब जब समझ रहे हैं कि सर ने लिख रखा है कि डिसिप्लिन रूल्स ये सारी चीज़ें, तो अब जब फॉलो कर रहे हैं तब पता चल रहा है. तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम ओवरनाइट रिच होने के लिए नहीं आए हैं, कोई गैम्बलिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे कि मीन्स एक रात हुई कि बोले डबल हो गया ट्रिपल हो गया. इस माइंडसेट से आएंगे तो वो एक रात के लिए टिकेगा मार्केट में, उसके बाद सिर्फ जीरो करके निकल जाएगा. तो वैसा हमको मेंटेलिटी नहीं रखनी है. दूसरा है डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए हमें. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसा लिखा है, तो डिसिप्लिन और पेशेंस हमें डेवलप करना है. अगर नहीं है तो उसको डेवलप करेंगे हम. फिर फोकस ऑन फंडामेंटल्स, हमारा कंपनी का फंडामेंटल्स पे फोकस रहना चाहिए मेजर चीज़. जैसा जयकिशन सर भी काफ़ी अच्छा इसमें गाइड करते हैं, आपने अभी लेक्चर अटेंड किया होगा. तो फंडामेंटल, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसका स्टॉक अभी तक नहीं चला है तो आने वाले टाइम में चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रो होगी जब उसका टाइम आएगा. तो पेशेंसली हमको वेट करना है, बाकी रिटेलर्स की तरह नहीं, थोड़ा बहुत मार्केट में नॉइज आया, फ्लक्चुएशंस हुए तो उसमें हमने एग्जिट कर दिया. फोर्थ पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट. तो हमारे पास रिस्क एपेटाइट कितना है उतना ही रिस्क लेके हमको चलना है, उसी हिसाब से हमको ग्रो करना है. एंड सस्टेनेबल अप्रोच की मीन्स ओवर टाइम हम वेल्थ बिल्डअप करेंगे. दूसरा, हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
थोड़ा सा मींस लॉस आने पे हमको डिस्करेज नहीं होना है, और है ना प्रॉफिट आ रहा है तो ज्यादा उछलने नहीं लगना है कि पहले प्रॉफिट हो रहा है नहीं, ऐसे माइंडसेट से हमको नहीं चलना है। मार्केट्स में क्या फ्लक्चुएशंस रहने ही वाले हैं, और जब ऐसे इमोशंस है हमारे साथ आ जाए कि लॉस हो रहा है तो बोले डिप्रेस होके बैठ गए, डिस्करेज हो गए, प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा हवा में उड़ने लग गए, नहीं ये सारी चीजें आएंगी तो क्या है, इमोशंस जब आ जाएंगे ना तो हमारा जजमेंट फिर वो ढक देगा, इमोशंस क्लाउड और जजमेंट ऐसा। तो अगर ट्रेड नहीं बन रहा होगा तो भी हम फिर लेने लगेंगे, तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो अब इसके लिए करें कैसे, मीन्स कैसे इमोशनल डिटैचमेंट हम डेवलप कैसे करें, तो उसके लिए पहले तो हमारे पास एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए कि भाई हाँ इस तरीके से मेरे को करना है, इतने इतने टाइम में मेरे को यहाँ यहाँ पहुँचना है, ऐसा वो होना चाहिए। खुद का रिसर्च किया होना चाहिए, खुद की तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए हमको कि मीन्स रिसर्च मैं कर रहा हूँ, कोई स्टॉक कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। अगर मेरे को इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इकोनॉमी इसको फैक्टर करती है, US इकोनॉमी बड़ी है तो वो फैक्टर कर रही है, FIS का डेटा, DI इसका डेटा, तो ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। भले हम सोने के अलावा खाने पीने के अलावा बाकी टाइम में सब इसी में करना पड़ेगा, मीन्स 15-16 आवर्स एवरी डे देने पड़ेंगे तो देंगे, इसमें क्यों नहीं देंगे, तभी फिर इम्प्रूवमेंट होगा। फिर दूसरा है कि रियलिस्टिक हमको एक्सपेक्टेशंस रखनी है मार्केट से, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग माइंडसेट से आए, ऑप्शंस बाय किया 100% लेके निकल गए, 100% फिर ले रहे हैं तो उसमें रिस्क भी 100% का ही रहता है, तो 100% डुबा भी देंगे फिर। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, बिजनेस की तरह काम करेंगे। इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें इमोशनल डिटैचमेंट के डिसीजन मेकिंग हमारी इंप्रूव होगी, स्ट्रेस कम होगा, दूसरा डिसिप्लिन बढ़ेगा हमारा, और लॉन्ग टर्म में हम सक्सेसफुल रह पाएंगे इसमें। थर्ड पॉइंट इज हमको अपने ट्रेडिंग प्लान से ही चलना है, डिसिप्लिन बेस्ड ही डिसीजंस लेने हैं। ऐसी किसी ने टिप्स दे दिया, कुछ ऐसा कहीं से सुनने को मिल गया कि ऐसा चल रहा है, कहीं न्यूज में सुन लिया कि हाई फ्लाइंग स्टॉक्स है, तो उस बेसिस पे नहीं ट्रेड लेना है। तो डिसिप्लिन हमको क्या मीन्स बेनिफिट क्या देगा हमको, भी मार्केट में पैनिक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही है, तो उससे हमको बचाएगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग। पैनिक्स आएंगे हम फोमो में आके लेने लगेंगे, तो सब बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट चल रहा है, रेलवे स्टॉक चल रहे हैं, चलो बैठ जाते हैं, तो जल्दी गाड़ी में बैठेंगे तो फिर घुटने चिलवा देंगे फिर दौड़ते, तो वो काम नहीं करना है। दूसरा इमोशनल कंट्रोल हमारा बढ़ेगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो, वो चीज़ है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमारी रखनी है ताकि हमको पता रहे कि भाई क्या हमारे गोल्स क्या है पहली बात तो, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रहेगी ना तो हम अडेप्ट कर पाएंगे मार्केट के थ्रू, क्योंकि क्या कंटिन्यूसली मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहेंगी, हिस्ट्री भी रिपीट्स होती है, लेकिन नई नई चीज़ कंटिन्यूसली लर्निंग के लिए आएगी, तो स्टडी थिंकिंग रख के हमको करना है। सेकंड है कि हमको पता होना चाहिए कि हम ट्रेड किस बेसिस पे ले रहे हैं, ये चीज़ मेरे को पता होनी चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए हर एक ट्रेड का, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो किस वजह से ले रहा हूँ, वाई, मेरे पास वाई होना चाहिए कि भाई क्यों लिया ये मैंने ट्रेड, और अगर उसमें लॉस हो रहा है तो लॉस की भी लर्निंग्स में लिखूंगा कि भाई ये मेरे डिसीजंस यहाँ यहाँ गलत हुए थे, कहाँ कहाँ मैंने क्या गलती की, वो सारी चीज़ें डेली के डेली हम एक जर्नल जैसे प्रिपेयर करेंगे, रोज डायरी रहेगी हमारी, डेट डालेंगे, लिखेंगे कि आज का क्या मेरे लर्निंग्स थे, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी लिखेंगे कि आज मैंने क्या ऐसा अलग किया है जो आज प्रॉफिट हो रहा है ऐसा, तो वो सारी चीज़ें रखें। दूसरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमारे सीनियर गाइड डॉक्टर सुब्रांशु सर है तो उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अगर कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको बाईपास नहीं कर देना हमको कि हाँ ये सर तो बोलते रहते हैं, रेगुलरली बोल रहे हैं, नहीं वो काफ़ी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमको फॉलो करनी है तो क्यों करनी है ऐसा। तो दूसरा क्या रहेगा कि उनकी स्ट्रेटजीज जैसे मीन्स कुछ सिखा रहे हैं हमको, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ सिखा रहे हैं, तो उसको जब हम फॉलो करेंगे तो क्या हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि भाई हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट में रह भी रहा है इतने टाइम से और प्रॉफिटेबल भी है ऐसा। फिर एक पॉइंट है फॉलो द रूल्स नॉट योर इमोशंस, ऐसा भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमोशंस जो है हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देंगे ऐसा, ढक देंगे उसको, तो उससे क्या होगा हम पैनिक में आके निकल जाएंगे, पता है कि भाई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेम्पररी सारा पूरा स्टॉक मार्केट ही गिर रहा है तो वो कंपनी भी गिरेगी, क्यों नहीं गिरेगी, वो भी गिरेगी, लेकिन उस चक्कर में पैनिक में आके हम सेल कर देंगे अगर इमोशनली हम लोग डिसीजंस लेने लगे तो। फिर हाई फ्लाइंग स्टॉक्स जैसे हॉट स्टॉक्स बोलते हैं तो उसको अगर हम पकड़ने जाएंगे तो भी हो सकता है कि ओवर वैल्यूड चल रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं खरीद चुके हैं, वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन पे पड़ा है, हम ऊपर जाके खरीदेंगे फिर जब उसमें करेक्शन आएगा तो लॉस में जाके हम उसको बुक कर लेंगे, तो वो चीज़ भी नहीं करना है। फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं इमोशनली अगर डिसीजन ले रहे हैं तो
कोई लूजिंग कंपनी हमको दिख रहा है कि ये लूज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि नहीं ये कभी तो ऊपर आएगा, कभी तो आएगा, तो दूसरे जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको हम फिर मिस कर देंगे। फिर एक ये लाइन कोट करना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छी लाइन है जो मैंने अपने ट्रेडिंग डेस्क के आगे भी लगा रखी है। एक्सेसिव ग्रीड किल्स एज इट पुशेस अस अवे फ्रॉम डिसिप्लिन एंड विजडम। तो ये लाइन हमको ध्यान में रखनी है कि एक्सेसिव ज़्यादा लालच हमको नहीं करनी है, ज़्यादा लालच होगी तो फिर डिसिप्लिन और विजडम हमारा नहीं रहेगा और सारा सेटअप फिर खराब हो जाएगा। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में अगर हम आए हैं तो हमारे पास सीखने की भूख होनी चाहिए अंदर से ऐसा, कि ये कभी नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो बस अब सब कुछ जानते हैं, अब हम कुछ और नया सीखने के लिए बचा नहीं है। नहीं, मार्केट एक तरीके से पूरा समुद्र है, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, उसको पढ़ने जाओगे पूरा लाइफ भी खत्म हो जाएगा तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मिस्टर वॉरेन बफेट की, उनके बारे में जब जैसे पता चला मेरे को कि वो डेली इस एज में भी 400 to 500 पेजेस रीड करते हैं ऐसा, तो वो चीज़ हमको सीखनी चाहिए कि वो इस एज में भी इतना मीन्स इतना एक्सपीरियंसड होने के बाद भी वो अभी भी कंटिन्यूस लर्न कर रहे हैं ऐसा कुछ ना कुछ। तो हम तो अभी अर्ली फेजेस में, तो हम कैसे सीखना छोड़ सकते हैं कि भी नहीं सब कुछ पता चल गया। तो ये चीज़ है कि हमको कंटिन्यूस सीखते रहना चाहिए ताकि उससे हमको क्या है एवर इवॉल्विंग मार्केट में हमको बेनिफिट रहेगा। फिर हिडन अपॉर्चुनिटीज होगी वो भी हम काफ़ी सीख पाएंगे। फिर स्टे अहेड ऑफ द कर्व जैसे ये पॉइंट है, तो इसमें मीन्स बेसिकली वही बताना चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो बाकियों से हम आगे कैसे रह पाएंगे नॉलेज के बेसिस पे। मीन्स जितना ज़्यादा हम नॉलेज गेन करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, उसी से ही फिर बाकियों को हम कम्पीट करके अच्छे रिटर्न्स हम खुद के पोर्टफोलियो में जनरेट कर पाएंगे। देन वंस अगेन स्टे अवे फ्रॉम एनी रैंडम ट्रेड्स, इमोशन रिएक्शंस, फोमो या शॉर्ट टर्म नॉइज, उससे मीन्स हमको बचाएगा अगर हमारे वेल थॉट ट्रेड्स नहीं है, नहीं बैठेंगे आलतू फालतू में, नहीं ट्रेड लेने जाएंगे कि मार्केट चल रहा है बैठ जाओ सब लोग, नहीं किसी ने टिप दे दी नहीं। और हाँ, डेली की एक हैबिट हमको बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो बनानी चाहिए हमको, कि जैसा विजय भैया ने बोला उनका जैसे 10 pages पर डे ऑफ एनी बुक, तो उसी तरह से कि आप टाइम के हिसाब से भी रख सकते हो कि भी आधा घंटा एक घंटा मैं डेली पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए रोज करना है, ब्रश भी हम रोज कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से नेचुरल हैबिट में आना चाहिए कि भाई बुक पढ़े बिना आज का दिन खत्म नहीं करेंगे, सोने नहीं जाएंगे। कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है हमको इसमें, तो ही हम इसमें टिक पाएंगे, नहीं तो फिर जैसे ही हमने लर्निंग छोड़ दी, भले अभी तक अभी हम 10% में है लर्निंग, अगर मैंने भी अगर सपोज छोड़ दी तो फिर 10% में नहीं टिक पाएंगे ना, उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा थोड़ी कि 10% को आके छू के वापस से 90% में चले जाना है, नहीं, तो कंटिन्यूस लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मेरे डूज क्या थे, मीन्स क्या करना चाहिए ऐसा, जो सर से भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इसमें, सर ने ही बताई है मोस्ट ऑफ चीज़ें। तो पहला तो एक एक जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसको एक्सेल शीट में मेंटेन रखना है हमको, एक एक डेटा मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि डेटा जो है काफ़ी पावरफुल टूल है। डेटा अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगा कहाँ मैं गलत था और कहाँ सही था, तो डेटा हमको मेंटेन करना है। उससे हम क्या सीख पाएंगे, भी हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव होगा, कि भाई हमारा डेटा रहेगा तो हम क्या एनालाइज कर सकते हैं वीकली क्वार्टरली मंथली बेसिस पे कि किस तरह से हम ट्रेड ले रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारा कैसा है वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब थोड़ा मैंने इंक्लूड भी किया कि हमारी स्प्रेडशीट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम मोटा मोटा इंक्लूड कर सकते हैं, डेट और टाइम, सिक्योरिटी कौन सी ली हमने वो, क्वान्टिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट, ऑर्डर टाइप, रीजन फॉर ट्रेड एंड लर्निंग, ये हर एक ट्रेड में होना चाहिए। चाहे अगर मैं आने वाले 10 साल बाद भी जाके मैं पिछला देखूं कि भी 10 साल पहले जो मैंने प्रॉफिट किया था वो ट्रेड किस बेसिस पे लिया था, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए कि भाई क्या रीजंस थे उसके, लर्निंग्स क्या थी उससे क्या थी, तो क्या हम कंटिन्यूसली इसमें सीखते रहेंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। दूसरा हमको अपना एक पूरा गोल सेट करना रहेगा 20-30 years का। अगर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सारे मीन्स मोस्ट ऑफ तो इसमें यंग ही दिख रहे हैं मेरे को, यंग पीपल ही दिख रहे हैं, तो हम अपना 20-30 साल का लॉन्ग टर्म प्लान एक पूरा क्रिएट करना रहेगा, एक विजन के साथ चलना रहेगा, ताकि क्या हमारा क्लैरिटी रहे जब भी डेली बेसिस पर हम काम कर रहे हो, तो हम वो क्लैरिटी माइंड में रहनी चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे हमारे रिस्क को भी उस बेसिस पे। दूसरा ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि टाइम होराइजन अलाइनमेंट, ये चीज़ हमारे माइंड में रहेगी कि भाई
टाइमली मैनर पे मैं अपने आप को चेक कर पाऊँ कि जो मेरा गोल है 20 से 30 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा हूँ, तो उससे मैं किस पेज पे चल रहा हूँ, तो टाइमली है ना वैसा मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ग्रो जो हो रहा है वो उस बेसिस पे हो रहा है कैसे चल रहा है, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। एसेट को भी हम एलोकेट करेंगे उसी बेसिस पे। फिर दूसरा है कि हमको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी लोगों की थोड़ी, जैसे मेरी भी आदत थी थोड़ी पहले खराब थी कि रात को लेट तक जग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, इस तरह का काम चल रहा है अभी, जैसे चल रहा है सब कॉलेज लाइफ में ऐसा ही था मीन्स, तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। हमको फाइनेंशियल हैबिट्स एक बिल्ड करनी पड़ेगी, रात को जल्दी सो के भाई उठ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पेपर वेपर रीडिंग करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, फिर ऑफिस में आएंगे, मार्केट भाई आज मार्केट खुलने वाला है, ऐसा नहीं कि भाई सुबह उठे मुंह उठ के बोले 9 बजे उठ रहे हैं, 9:15 बजे मार्केट के सामने बैठ गए चार्ट खोल के, नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, पहले से प्री मार्केट एनालाइज हमको पूरा करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमको अपनी हैबिट्स कुछ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी अपने गोल्स के हिसाब से, नहीं तो फिर हमारा गोल साइड में रह जाएगा, जैसे चल रहा है वैसे जीवन चलता रहेगा। फिर तो फाइनेंशियल हैबिट्स कुछ लिखी हैं, जैसे ट्रैक योर स्पेंडिंग, किस तरह से हम खर्चा कर रहे हैं। हम बनना तो वेल्दी चाहते हैं लेकिन वेल्दी की तरह माइंड सेट नहीं रहता है। जैसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, जेफ बेजोस सब जानते होंगे, अभी थोड़े टाइम पहले वो रिचेस्ट पर्सन थे, अभी सेकेंड या थर्ड नंबर पे अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस। तो उनकी जब नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ हो गई थी ना, तभी पता है वो बंदा मीन्स सेकेंड हैंड होंडा सिटी कार में चला आ रहा है अभी भी, 1.5 लाख करोड़ पहुंचने के बाद भी। मीन्स सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति का कितना विजन होगा कि मीन्स फालतू की स्पेंडिंग करके मैं क्या लाइबिलिटीज इकट्ठा ना करूं। 1.5 लाख करोड़ हो गया, मीन्स सोच सकते हैं जो डीमार्ट के ओनर राधाकृष्ण दवानी जो है उनका जितना नेटवर्क है उतना पहुंच गया, उसके बाद भी वो सेकेंड हैंड कार में चल रहे हैं। वो चाहते तो पूरी एयरलाइंस भी खरीद सकते हैं लेकिन नहीं, वो फालतू की लाइबिलिटीज रहेगी, उनके कंपाउंडिंग में इफेक्ट डालेगी वो चीज़। तो इधर उधर फालतू के खर्चे हमको नहीं करने, एक टाइम तक नहीं करने, बाद में जब अच्छा खासा वेल्थ जब क्रिएट हो जाए तो फिर तो जब हमको डिविडेंड्स मिलेंगे उसी से आप पूरा अपना लाइफस्टाइल चला पाएंगे। तो वो चीज़ रहनी चाहिए, सेटअप अ बजट, हमारा बजट होना चाहिए कि भाई हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। फिर कुछ एक अगर सपोज हमारा कुछ विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं कि महीने का जो इनकम हो रहा है वो पूरा ही हम मंथ एंड में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो फिर या तो SIPs की तरह हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान एक जो है वो चालू कर सकते हैं कि वो अपने आप कट ही जाएगा, अपने बैंक बैलेंस में से कट जाएगा, तो वो चीज़ भी एक है। फिर लिव बिलो योर मीन्स, हमको रिच बनना है, रिच दिखना नहीं है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये नहीं कि अभी इनकम हमारी चालू हुई, थोड़ा बहुत मार्केट से कमाया, 5-10 लाख रुपये कमाया, उसमें 1-2 लाख आईफोन ले लिया, कुछ बाइक खरीद ली, ये खरीद लिया, मीन्स एक तरीके से तुम्हारा जो लाइबिलिटीज है वो इकट्ठा कर देंगे। आईफोन चलेगा 4-5 साल चलेगा, वो फेंक देंगे उसको, बाइक चलेगी 15 साल चलेगी फिर भी वो, मीन्स ये सारी क्या लाइबिलिटीज है, अगर सही में जरूरत ना हो तो उनको अभी हमको एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए ऐसा। एंड लास्ट पॉइंट जो है ऑप्शनल है कि मीन्स थोड़ा कुछ एडिशनल इनकम, मीन्स पार्ट टाइम वर्क या ऐसा कुछ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट में काफी वो पैसा वहां से आप इन्वेस्ट कर सके। जैसा हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट हैबिट है कि डेली रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग के बेनिफिट्स मीन्स कैसे हैं कि हमको मार्केट के बारे में पूरा पता रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। रोज कोई इकोनॉमिक टाइम्स ही पढ़ रहा है, कोई न्यूज चैनल भी नहीं देख रहा है, जी बिजनेस नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, इकोनॉमिक टाइम्स डेली अगर रीड कर रहा है तो भी वो पूरा मार्केट के बारे में जान सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्रूड से लेकर के करेंसी कहाँ चल रहा है, USD/JPY सब कुछ उसमें दिया रहता है, तो उसको हैबिट में लाना पड़ेगा। एडिशनली डूज क्या है, मीन्स क्या कर सकता है इन्वेस्टर, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग हमको करनी चाहिए, ये नहीं कि पेपर में न्यूज आई तो उस बेसिस पर तुरंत हम ट्रेड करके मार्केट में उतर जाए, नहीं वो नहीं करनी है, देखना है कि मीन्स क्या इसमें इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, ये डिसीजंस में कुछ भी आए न्यूज हम देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट करेगा। और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज भी हमारे थोड़े डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, मीन्स सिर्फ पेपर ही नहीं रहना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी रीड करना चाहिए हमको, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, वो सारी चीज़ें रखनी चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, जैसा भी बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट करेंगे वो ध्यान रखना है। फिर न्यूज़ को जो है हमने जो रिसर्च किया उसके साथ इन डेप्थ स्टडी के साथ उसको कंबाइन भी करना चाहिए हमको, ताकि हम देख सकें कि भाई न्यूज़ के बेसिस पे क्या फंडामेंटल्स में क्या इम्पैक्ट कर रहा है कंपनीज में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डायरी होनी चाहिए, रोज का मिस्टेक्स और लर्निंग्स हमें लिखनी चाहिए, डेली लिखनी चाहिए, और फिर क्या मंथली या बाय मंथली बेसिस पे उसको रीड करो, वापिस ही रीड करो, चाहे कितना भी टाइम हो गया थोड़ा रीड करो उसको, टाइम दो, वीकेंड्स पर टाइम दो उसको,
तो अच्छे से हम क्या उससे लर्न कर पाएंगे, हमारी मिस्टेक्स थी वो हमारे माइंड में ध्यान रहेगी, हम क्या बार बार भूल जाते हैं, मनुष्य ही है तो भूलेंगे जरूर, बार बार तो उसको वापस याद कराना पड़ता है, तो उससे क्या हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इम्प्रूव होगा काफ़ी। तीसरा है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है हमारे माइंड में रहना चाहिए कि कंपाउंड होगा मेरा पैसा, और उसके लिए मेरे को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा उतना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए। और कंपाउंड इफेक्ट तभी करेगा कि मीन्स उसमें थोड़ा पेशेंसली हम चल रहे हैं और ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है और क्या चीज़ नहीं है, तो जो कंट्रोल में है उसको हम कंट्रोल करेंगे, बाकी मार्केट फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं कि मेरे तरफ से कितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कितना स्टडी कर रहा हूँ, कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जैसे कि हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स या इवेंट्स जैसे होते हैं, जैसे कि मार्केट हॉलीडेज हो गए या RBI की पॉलिसी डेट्स हो गई कब आने वाली है, तो ये मीन्स अपने ट्रेडिंग डेस्क के आगे लगा के रखो ताकि क्या आप भूलो नहीं उस चीज़ को कि कब कोई इवेंट्स है, तो उस बेसिस पे क्या मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे ध्यान में रहे। फिर जैसा पहले डिस्कस कर चुके हैं, विजय भैया भी बता चुके हैं कि बैक टेस्ट हमको करना चाहिए स्ट्रेटेजी को लाइव में उतरने से पहले, बैक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बाईपास करते हुए आगे अगर उतरेंगे तो फिर पोटेंशियल रिस्क रहता है कि भाई आप पैसा 90% डुबाओ ऐसा, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा पोर्टफोलियो जो है उसको हम डाइवर्सिफाई रखेंगे, एक जगह पैसा नहीं डालेंगे, अलग अलग जगह हमने रिस्क बांट के रखने हैं ताकि क्या रिस्क झेलने की कैपेसिटी भी हमारी रहे इतनी, ये ना हो कि हम पोर्टफोलियो है 5 स्टॉक्स ले लिया, आपको 5 स्टॉक में से 3-4 स्टॉक तो किसी एक ही सेक्टर के और 2 स्टॉक कोई और सेक्टर के, तो जब मार्केट टूटेगा तो पूरा एक साथ ही ड्रॉडाउन फेस काफ़ी बड़ा आ जाएगा और फिर पैनिक सेलिंग में तुम लोग सेल कर देंगे, फिर हम सेल करेंगे, पहले मेरा भी ऐसा सेटअप नहीं था तो धीरे धीरे करके यही चीज़ें सर से सीखी, बाकी साथ का जैसे विजय भी है उनसे भी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, तो ये चीज़ हम रख सकते हैं। और नेक्स्ट है डोंट्स, हमें क्या नहीं करने चाहिए, किन से बचना चाहिए, नेवर बाय एनीथिंग जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग अप, तो ये चीज़ हमें काफ़ी ध्यान रखनी चाहिए कि कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो सिर्फ जा रहा है, उस बेसिस पे नहीं बैठ जाना है उसमें कि भाई ये चल रहा है स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स हैं या XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी है PSU स्टॉक्स है, तो उस बेसिस पे नहीं बैठना, सेटअप में आ रहा है तो बैठेंगे नहीं तो नहीं बैठेंगे, तो इसमें मीन्स वही पॉइंट्स रखें कि अवॉइड रैंडम ट्रेडिंग, फोकस ऑन अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स पे बहुत फोकस रखना है, और टेक्निकल जो है वो एक तरीके से टूल है, उसको गारंटी की तरह हमको नहीं देखना है, तो वो चीज़ें भी हम फोकस में रख सकते हैं। फिर ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, विजय भी बता चुके हैं कि नो स्ट्रेटजी मीन्स नो ट्रेड, तो ये हमको ध्यान में रख के चलना है कि स्ट्रेटजी अगर नहीं है हमारे पास तो ट्रेड्स नहीं लेंगे हम, एंड तब भी ट्रेड्स नहीं लेंगे जब हमको डाउट्स हो रहा है, अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में मेरे को डाउट हो रहा है कि नहीं है फंडामेंटली इतना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत कुछ न्यूज़ में आया क्या है, सेटअप में है नहीं है, ऐसा करके डाउट्स हो रहा है तो उसमें नहीं बैठेंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, डाउट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे भाई डाउट आ कहाँ से रहा है पहली बात, तो क्लैरिफिकेशन देखेंगे भाई इसका क्या मीन्स, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या ला सकते हैं, मीन्स डाउट किस बेसिस पे आ रहा है, स्टडी के बेसिस पे आ रहा है, न्यूज़ के बेसिस पे आ रहा है, किससे आ रहा है, तो वो चीज़ रखेंगे। फिर क्राइटेरिया सेट करेंगे इसमें एंट्री एग्जिट कब की जाए ऐसा, तो वो चीज़ हमको रखनी है। दूसरा, नेवर गो फॉर मेकिंग अ क्विक मनी, क्विक मनी स्कीम्स जैसे होती है कि आज डालो कल डबल हो जाएगा, क्योंकि कई सारे हम पैनी स्टॉक्स में भी सुनते हैं कि पैनी स्टॉक्स हैं तो ये अभी चल रहे हैं इनको इनमें बैठ जाओ इतना परसेंट 10% 20%, सर्किट्स में भी कई स्टॉक्स चलते हैं तो उनसे थोड़ा हमको बच के रहना चाहिए। रेजिस्ट मार्केट टाइमिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को टाइम करने नहीं जाना है हमको, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को हम पकड़ने नहीं जाएंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे मार्केट का मूव कहाँ होगा, मीन्स जैसे शॉर्ट टर्म मीन्स बेसिकली F&O में अगर आप कर रहे हो तो F&O भी कर रहे हो तो सेटअप बेस्ड होना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक्स में अगर तुम उतर रहे हो कि भाई नहीं मैं इतना परसेंट के लिए अभी तुरंत उतर रहा हूँ, सेटअप बेस्ड कुछ नहीं है, खाली ओनली स्पेकुलेशन बेस वाइज हम देख रहे हो, टेक्निकल वाइज देख रहे हैं, बाकी कंपनी में कोई दम नहीं है, तो उसमें भी हमको नहीं उतरना चाहिए। एंड नेवर गो फॉर बाइंग अ स्टॉक इन फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। नेगलेक्टिंग रिसर्च, ये चीज़ भी हमको नहीं करनी है कि हम रिसर्च को ही नेगलेक्ट कर दिया हमने कि खाली टेक्निकल देखा और उस बेसिस पे ही सिर्फ बैठ गए। बेसिकली मेरा तो ऐसा ही रहा है कि मीन्स अगर टेक्निकल भी मैं देखता हूँ तो टेक्निकली एकदम लास्ट स्टेप रहता है कि टेक्निकल चार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं, वो लास्ट लास्ट स्टेप रहेगा, पहले तो रहेगा कंपनी
सेक्टर से, जैसे सर ने अभी सेक्टर एनालिसिस का भी आपका प्रेजेंटेशन लेंगे, सेक्टर से टॉप डाउन अप्रोच रहता है, सेक्टर कौन सा चलने के ब्रेकआउट पे लेवल पे दिख रहा है, उसमें कौन सी कंपनी है, वो एक कंपनी को निकालने के लिए भी पीयर्स को भी जानना पड़ेगा कि बाकी सबको ऑमिट क्यों करना है मेरे को, तो वो चीजें रहेंगी। उसके बाद जाके उसके कंपनी के टेक्निकल पे हम आके देखेंगे कि इसमें टेक्निकल कोई पैटर्न है नहीं है तो भी हम बैठेंगे उसमें, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है अगर, और अभी तक नहीं चली है तो कभी ना कभी चलेगी, उसमें पेशेंटली हम वेट करेंगे, तो वो चीज हमको देखनी है। रिसर्च अगर हम नहीं करते हैं तो उसके क्या रिस्क रहते हैं, वो थोड़े मैंने मेंशन किए हैं इधर की मिसिंग आउट ऑन द बिग पिक्चर, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम नहीं देख पाएंगे। इग्नोरिंग ब्रोकरेज फीस एंड एक्सपेंसेस, ये भी काफी है जो लोग मीन्स, जैसे मैं खुद भी था पहले कि ब्रोकरेज फीस ये सबको कंसिडर नहीं करता ट्रेड करते टाइम, तो ये चीज को भी हमको ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेड किए जा रहे हो बार बार लेकिन आपके ब्रोकरेज फीस और एक्सपेंसेस ही उतने ज्यादा हो रहे हैं कि ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो उल्टा नेट लॉस में आप रह रहे हो, तो वो चीज भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे एक सर ने यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट जो मेरे को दिया है कि सबको दिया है, मीन्स कि IIFL में जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें हमको काफी ब्रोकरेज मीन्स कम हो जाता है, तो वो चीज भी एक प्लस पॉइंट है, तो हमको कंपैरिजन भी करने चाहिए कि कौन से ब्रोकर में कहाँ कितना मिल रहा है, तो ये चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए मोटा मोटा। लैक ऑफ पेशेंस, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर लैक ऑफ पेशेंस कि जल्दी बेच दिया, सब लोग बेच रहे हैं इसलिए हम भी बेच देंगे, मार्केट टूट रहा है, जैसे 2020 का अगर जैसा फॉल था, अगर उस टाइप का अगर फॉल आता है और अच्छी कंपनीज भी गिर रही है, रिलायंस HDFC, तो ऐसा तो है नहीं कि भी फॉल होते होते जीरो हो जाएगा, मार्केट पूरा जीरो तो हो नहीं जाएगा, 2020 के बाद भी हम देख रहे हैं कि फॉल आया उसके बाद काफी हायर हाई चल रहा है और अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो उस टाइम पे भी मीन्स ये सारी चीजें माइंड में रहेगी तो ही फिर हम जब प्रैक्टिकलिटी में जब ये चीज हम फेस करेंगे तो फिर मीन्स स्ट्रेंथ वहीं से मिलेगी कि हम इसको टिक के रख रहे हैं, फंडामेंटल से वही हमको स्ट्रेंथ देंगे उस टाइम पे कि कंपनी के फंडामेंटल्स ऑपरेशंस में कुछ खराबी नहीं आई है, टेम्पररी फॉल आया तो उस टाइम पे भी फिर हम कर पाएंगे। सेकंड है फॉरगेटिंग अबाउट और गोल्स, मींस गोल्स तो साइड में रह जाते हैं कई बार कि कर रहे हैं चल रहा है ट्रेडिंग लेकिन अल्टीमेट जो मेरा गोल था कि 20-30 साल में कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें अगर अट जाती है तो वो चीज़ें भी नहीं रखनी है, हमारे गोल को भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे। तो इसमें जैसे मैंने रखा है कि सेट स्मार्ट गोल्स की मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, मीन्स इतने समय में अटेनेबल है कि नहीं है और रिलेवेंट है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह के हमको अपने गोल्स सेट करने चाहिए। जैसे कि मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा अगर हमको डबल करना है तो उसको 3 साल उसको देने पड़ेंगे कंपाउंड होने के लिए, 26% का भी अगर हम CAGR लेके चलते हैं तो 3 साल में हमारा पैसा डबल होगा, 10 ईयर्स में 10 टाइम्स, 20 ईयर्स में 100 टाइम्स होगा, तो उतना हमको समय फिर देना पड़ेगा इसमें, तो वो चीज़ें माइंड में हमारे रहनी चाहिए। एंड हर्डिंग मेंटालिटी से भी बचना चाहिए कि कोई कंपनीज है ओवर वैल्यूएशन में चली जाती है, जैसे USA का बबल, 1990 का बबल जैसे हमने सुना होगा, अगर देखा हो तो रिसर्च एनालिस्ट के लेक्चर में भी सर ने बताया होगा आपको शायद कि बबल्स जो है उससे हमको बचना चाहिए, कि मीन्स हर्डिंग मेंटालिटी है, सब लोग उतर रहे हैं। जैसे अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ लर्न टू अर्न, तो उसमें बताया गया था कि USA में रेलवे स्टॉक्स मीन्स 1890s के आसपास में मीन्स रेलवे जो है वहाँ पे काफी चल रहा था, तो क्या हुआ था उस टाइम पे बबल बन रहा था उसका, लोग जो है बिना देखे क्या रेलवे में क्या करती है, बस रेलवे नाम उसके कंपनी के नाम के आगे रेलवे लगा हुआ था, सब उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे, बबल हुआ फिर वो बबल फूटा, सबका पैसा डूब गया, तो इस चीज से भी बचना है कि सब लोग भेड़ चाल की तरह हमको नहीं उतर जाना है, तो उसमें क्या है भेड़ चाल में उतर जाएंगे तो हम रिस्क को इग्नोर कर देंगे, खाली वो देखें कितना इसमें मिल रहा है ऐसा। तो थैंक यू। और अभी सर ने काफी अच्छा मेरे को भी है ना अपॉर्चुनिटी दिया है, तो अभी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SDR भी मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ, तो इसी तरीके से साथ में सब लर्न करेंगे, सीखते जाएंगे और आगे ग्रो करेंगे। और जैसा अभी ये वीडियो बनाया तो वैसा ही एक सेम वीडियो 1.5 से 2 साल बाद एक और वीडियो बनाएंगे कि भी अभी हम एट अ टाइम मीन्स कहाँ है, 2 साल बाद भी मीन्स कहाँ है, तो इस तरह का भी रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।